हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रिव्यू दिखाऊंगा जो ट्राइबोट और विद मोनोपोड है। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत होती है प्रोफेशनल काम के लिए इन चीज़ों की। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कम प्राइस की जो चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट भी उसके मुताबिक होती है। और जो अच्छी प्राइस की चीज़ हम परचेज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमें दी जाती है। तो हर किस्म की चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, कम प्राइस की, अच्छी की भी, हाई की भी, लो से लेकर हाई प्राइस की भी चीज़ अवेलेबल है, और लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी की चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है। और बिना वक्त गवाए मैं आपको एक मोनोपोड, जो कि मोनोपोड भी है और ट्राइपोड भी है, मैं आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये मोनोपोड है, ये नया लॉन्च हुआ है कंपनी की तरफ से। ये अच्छा मोनोपोड है, इसमें ट्राइपोड की भी ऑप्शन है, मोनोपोड की भी, और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है। बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ कंपनी ने इसे पैक किया है। ये गाइस, ये इसका बैग है, लटका सकते हैं और आप इसे हैंडी भी पकड़ सकते हैं। अच्छा बैग बनाया कंपनी ने, बिल्कुल मुफ्त सरसा है, छोटा सा बैग है, इतना बड़ा नहीं है। तो ये अलमुनियम का मोनोपोड है, आप इसे, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस है, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा बहुत हल्का है और लो वेट है और अलमुनियम का है, इसमें प्लास्टिक वाली कोई चीज़ नहीं है। अलमुनियम का ये ट्राइपोड है, ठीक है, बड़ा अच्छा बनाया गया है। और इसकी जो ग्रिपें हैं, जो इसका ये हेड है, ठीक है, वो बाज़ बात ऐसे होता है कि जो ट्राइपॉड यूज़ करते हैं घरेलू के लिए, प्राइवेट जो लोग मोनोपोड यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक का होता है, वो टूट जाता है यहाँ से। उसका जो लॉक होता है वो बहुत नरम होता है, बहुत नाजुक होता है, वो यहाँ से क्रैक हो जाता है। ये सारा अलमुनियम का है टोटली, इसकी कोई भी चीज़ जो वो नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा वाला है। इस ये जो हिस्सा है, ये आप कैमरे के साथ ऐसे इसको अपना बंद करेंगे, ये पीछे ऑप्शन दी गई है, इसको ऐसे कैमरे के साथ लगा के घुमाएंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बॉडी है, मैं वो आपको फिट करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि ये बॉडी के नीचे आपने ये लगा दिया, इसको ऐसे आपने पीछे से टाइट कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रिप कर ले। अच्छे तरीके से जब इसे टाइट कर देना है, उसके बाद आप इसे इजीली ऊपर लगा सकते हैं। तो ये साइड में ये ऑप्शन दी गई है, इसके साथ आप इसे थोड़ा सा टाइट कर लें। तो ये आपका जो ट्राइपॉड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ आप फ्री हैंड काम कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है। ये आपके हैंड बिल्कुल फ्री हो चुके हैं,
आप फ्री हैंड काम कर सकते हैं। कोई ऐसे शॉट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कि आप रिकॉर्डिंग लगा के बैठ सकते हैं, तो ये आपका ट्राइपॉड जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, ये आपका ट्राइपॉड तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर वीडियो कैमरा भी फिट कर सकते हैं जो काफ़ी इस बॉडी की निस्बत से काफ़ी वज़नदार होता है। जैसे कि बड़े कैमरे हैं, हमारी बड़ी बॉडीज़ हैं, वो वीडियो कैमरे की HD कैमरे की बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं और इसकी निस्बत से वो काफ़ी वज़नी होती है। आप वो भी फिट कर सकते हैं क्योंकि इतना इसका वज़न है, इसका ये ट्राइपॉड का वज़न है कि ये अपने से ज़्यादा वज़न उठा सकता है। तो नाजरीन, ये तो हो गया ट्राइपॉड। अब मैं आपको इसका मोनोपॉड बनाकर दिखाता हूँ। पहले हम ये बॉडी जो है ये अलग करेंगे। नाजरीन, ये हमने बॉडीज अलग कर दी है मोनोपॉड से, और अब ये तीन सपोर्ट्स हैं। ठीक है, एक सपोर्ट हम इसे खोल देंगे। ये एक सपोर्ट हमारी बिल्कुल अलग कर दी गई है और हम इसका ऊपर वाला हेड जो है वो भी खोल देंगे। ये हमने ऊपर वाला हेड जो है वो उतार लिया है। ठीक है, ये जो हमारा हेड है ये मोनोपॉड पे फिट हो चुका है। हम इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मर्जी खोल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा, ये कैमरे की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही है उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बड़ा हो चुका है, ये मोनोपॉड बन गया हमारा। हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। नाज़रीन, ये जो पहले आपने मोनोपॉड देखा है और ट्राइपॉड देखा है, उस पर ये ऑप्शन है, क्योंकि मैंने हाइट कम करके इसलिए दिखाया आपको कि ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है ये उसे बड़ा आपको नहीं दिखा सकता। तो ये जो हाइट ज़्यादा करने वाली ऑप्शन, ज़ाहिर है ये तो ट्राइपॉड में होनी चाहिए और है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको खोल के नहीं दिखाया। उसकी हाइट भी तकरीबन कम से कम 60 फुट जो लगभग उसकी हाइट है। तो ये हम इसके ऊपर कैमरा फिट करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये इसकी मूवमेंट है, आप जैसे मर्जी कैमरे को ऊपर नीचे इधर उधर आप जैसे मर्जी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी आपको ज़रूरत पड़े तो, वरना आप इसे टाइट ही रहने दें। ये हमारा ट्राइपॉड जो है ये तैयार हो चुका है। हम इसे जैसे मर्जी काम कर सकते हैं। हम इसे हाइट ज़्यादा करके ऊपर क्रेन सीन बना सकते हैं और आप इसे ट्रॉली सीन भी बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने इसको ऐसे किया। ठीक है, ये हमारा कैमरा है, ये हमारा स्टैंड है, आप इसे ऐसे ट्रॉली सीन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसा कितना प्यारा व्यू बनेगा जब आप इसे यूज़ करेंगे बनाएंगे। इसे ऐसे ट्रॉली सीन बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसे खोल के मोनोपॉड को इसकी हाइट बढ़ा के, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, ये हाइट बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे आप तो इसे ऊपर करके क्रेन सीन भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये नाज़रीन इतना मजबूत है कि ये कोई भी कैमरा उठा सकता है, चाहे वो स्टिल कैमरा हो चाहे वो वीडियो कैमरा HD हो, क्योंकि HD जो कैमरा है उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, उसका वज़न भी इससे ज़्यादा होता है।
ठीक है, ये बड़ा अच्छा मोनोपोर्ट तैयार हो गया है, ठीक है, ये मोनोपोर्ट के लिए ये ट्राईबोर्ड इसके अंदर ही ऑप्शन है, मोनोपोर्ट की इसके अंदर ही ऑप्शन है ट्राईबोर्ड की, आप इसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मोनोपोर्ट है, ये लैदा हो चुका है, ये ट्राईबोर्ड, अगर आपको मोनोपोर्ट ट्राईबोर्ड चाहिए तो ये जो मेरे हाथ में ये मोनोपोर्ट, इसकी ये जो निचली ये टांग है इसको खोल के यहाँ पे फिट कर दें, और ये जो हेड है ये खोल के यहाँ पे फिट कर दें, तो ये हमारा ट्राईपोर्ड तैयार हो जाएगा। और अच्छा, ये बहुत लाजवाब मोनोपोर्ट बनाया गया है, आप इसके साथ DSLR वीडियो स्टिल वगैरह जो भी आपकी डिमांड है पीपल की, वो आप इसके साथ काम कर सकते हैं। तो नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।